मैं हूँ राधे माँ, दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े। बोलिए सच्चे दरबार की आज जो भी यहाँ बैठे हैं हमारी स्नेहमयी राधे गुरु माँ जी के जन्म दिवस पे हम सब यहाँ पे पहुंचे हैं। थोड़ी देर में हम सब की गुरु माँ यहाँ पे पहुँचेंगी। मैं भी दिल्ली से चल के यहाँ पे आया और यहाँ पे जो मंजर हम लोग देख रहे हैं जिनका जन्मदिन इस प्रकार से दूसरे लोगों की सेवा में बीतता हो ऐसे गुरु माँ जी के लिए दुनिया में किसको गर्व नहीं होगा। मैं बाहर भी देख रहा हूं बड़ी लाइनें लगी हैं और यहां अन्न धन के भंडार लगे हैं। यहाँ हमारे सभी सेवादार लोग अपनी सेवा दे रहे हैं और मैं जितने लोगों को देख रहा हूं यहाँ खड़े हैं सबकी आंखों में खुशी है। जिन लोगों को कुछ भी जो ये अनाज की और जो भी पंखे ये सब की जो सौगात मिल रही है अब ये हम सबके बस में तो है नहीं कि हम अपना जन्मदिन ऐसे मनाएं। ये तो वही मना सकता है जिसके ऊपर साक्षात भगवती की बड़ी कृपा हो। मेरे भाई बहन, हम सब कई बार सोचते हैं कि हमें माँ कब मिलेगी। हम सब हमेशा सोचते हैं हमारे ऊपर भगवान की कृपा कब होगी, लेकिन ऐसा सोचते हुए अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम अपने व्यवहार से अपनी वाणी से अपने कर्म से ऐसा करेंगे कि भगवान को भी जगदम्बा को भी हम प्रसन्न करेंगे तभी जा करके आपके अंदर कोई शक्ति आती है। सबके अंदर शक्ति है, किसी के अंदर ज्यादा है किसी के पास कम है। जो लोग यहां अनुशासन में पंक्तियों में खड़े होकर के हम सबके राधे गुरु माँ जी के जन्म दिवस पे कुछ उपहार ले रहे हैं वो भी धन्यवाद के पात्र है। आप अपने अपने घरों से आए हैं और ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर रहे हैं, ये आप सबकी हम राधे गुरु माँ जी का जो एक परिवार है जो भक्ति से भरा हुआ है उसके ऊपर आप बहुत एहसान कर रहे हैं। हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम आपको कुछ राधे गुरु माँ जी के जन्मदिन पे दे रहे हैं तो ये मत समझिएगा हम कुछ एहसान कर रहे हैं। आप यहां तक आए, आपने ये सौगात स्वीकार किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारे भाई बहन।
बस इसके बदले आपसे एक ही बात मांगेंगे कि हमें कभी कभी अपने गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए भी, हमको भी तो कभी कभी उनके लिए मांगना पड़ता है। इस संसार में इन बातों का ध्यान रखते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं तो बहुत कृपा पात्र हूं। दुनिया में हम सबको ये बातें कह के विश्वास नहीं दिलाना चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि जिस दिन हमारे घर में राधे गुरु मां जी ने कदम रखा, उसके बाद से हमारा जीवन सुख और सुख और सुख के तरफ ही बढ़ता रहा। जो छोटी मोटी समस्याएं थी सब समाप्त हुई है। जगारे श्री राधे शक्ति मां जी साक्षे दरबार की। और ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता है। किसके पांव में शुभ है ये हम आप नहीं जानते। कभी कभी तो मुझे लगता है जो हम आप बैठे हुए हैं, आप भी अपने कर्मों से ऐसा शुभ शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि कोई आपके पास आए, मैं बड़ा दुखी हूं, आपने कहा हनुमान जी कृपा करना, तो हनुमान जी ने आपकी बात सुन ली। आपने कह दिया माँ ये आया हुआ है, इसको जरा जीवन में इसकी खुशियां दो, और भगवान माँ सुन लेती है, शिव जी सुन लेते हैं, हमारे गुरु भगवान सुनते हैं। लेकिन ये सारी बातें उनके समझ में नहीं आएंगी जो हर समय कुछ न कुछ नकारात्मक बातें निकालने में लगे रहते हैं। और वैसे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में एक बात लिखी गई है। जरा एक स्वर देना भैया, कौन सा दिए थे? चार, तीन है ना? हाँ तीन रखना। देखिए मैं तो जीवन को बहुत करीब से देख रहा हूं, केवल अपने जीवन को नहीं देख रहा हूं। मैं दिल्ली में एक क्षेत्र का सांसद हूं, हमारे क्षेत्र में 55 लाख लोग रहते हैं जो हमसे अपेक्षा रखते हैं। तो मैं सबकी बातें समझते सुनते हुए और फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, तो पूरे दुनिया को, पूरे देश को उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए हम सब लोग रोज लोगों से मिलते हैं। तो मुझे तुलसीदास जी की वो लाइन याद आती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, होई हही वही जो राम रचि राखा, को करि तर के बढ़ावै जेही पर जेही करे सत्य सनेहु। आप ये बस सोचिए कि हम इस भवन में कितने लोग मिले हैं, कितने आए हैं। ये तो सब दिलों का मिलन है साहेब। अभी हम फोटो देख रहे हैं, देखिए फोटो है, भगवान शिव को दूध चढ़ाती गुरु मां जी एक किसी निशक्त व्यक्ति को, उनके लिए रिक्शा देती देवी मां जी हमारी राधे गुरु मां जी, और लाइन लगी हुई है, न जाने कितनों को दिया, जिनको दिया उनको जानती थोड़ी थी, जो आ गया जितनी अपनी क्षमता थी, जितने लोगों को दे सकते थे दे दिया गया। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे पूरे देश के लोग आ जाए, पूरी मुंबई के लोग आ जाए तो थोड़ी सबको दे सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर कृपा भवानी भर देती है आंचल बहरानी। आप सब हमारी राधे गुरु मां के लिए भी
इन खुशियों के बदले थोड़ा सा अपने मन से कहना कि उनकी आयु लंबी हो, वो चिरंजीवी हो, और उनके अंदर जो गरीबों की सेवा करने की भावना है, ऐसी भावना देश के हर संत में जाए, ये हम सबको प्रार्थना करते हैं। संतों से भरी हुई है दुनिया। कई बार हम लोगों पर ये विचार होता है, लेकिन सभी संत ऐसी भावना रखते हैं कि हमारे जन्मदिन पे हम किसी को पंखा देंगे, किसी को अनाज देंगे, किसी को ये जो दिव्यांग भाई बहन होंगे उनको हम साइकिल देंगे। अगर ऐसा कोई सोचता है और वो हमारी आपकी गुरु है, तो हमें आपको अपने गुरु पे बहुत गर्व होना चाहिए। ये हम ऐसे तो मेरी यही भावना है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, जगदम्बा भक्ति, ये सब करने के लिए मन बड़ा साफ होना चाहिए। छल कपट के साथ अगर हमने किसी से कुछ ले भी लिया तो फलित नहीं होने वाला। इसलिए सबके जीवन में मंगल रहे। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, हमारी गुरु मां गुरु ग्रंथ साहिब जी को, उनकी सेवा में खड़ी थी, कल भी पाठ हुआ, यहां मां दुर्गा की तस्वीर लगी है, मां शेर पे सवार बैठी है, गणपति बप्पा गणेश जी बैठे हैं, और चिंतपूर्णी मां के धाम से आई हुई है ज्योत। ये सामान्य बात नहीं है। हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, हम गांव में रहते थे तो रोज मंदिर जाते थे, मुंबई आए तो मंदिर भूलने लगा। फिर मैंने पूछा कि अरे कहां जाओ, तो लोगों ने कहा कि मुंबई में बहुत बड़े मंदिर हैं, मां मुंबा देवी का मंदिर है, मां जीवदानी का मंदिर है, सिद्धि विनायक जी बैठे हुए हैं। लेकिन बैठने और होने से नहीं होगा, जो रह रहा है उसको दिखाई देना चाहिए कि यहां है, और जिनको दिखते हुए नहीं दिखता है उनके लिए फिर हम आप कुछ नहीं कह सकते, बस मां भवानी से प्रार्थना कर सकते इंदु जी कि ऐसे लोगों को भी माई, ऐसे लोगों को भी खुश रखे, उनके जीवन में खुशहाली दे, उनको सद्मार्ग पे लाए। हमें गाना अक्सर गाते हैं, हालांकि वो गाना हमने शरदुल सिकंदर जी से सुना था, शरदुल सिकंदर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो जब आते थे राधे गुरु मां जी के सामने वो गाने लगते थे, तो उनका एक गाना हमने दो लाइन सुना, बाकी अपने से बना लिया, क्योंकि जब तक मैं उनसे पूछता कि पूरा गाना क्या है तब तक वो दुनिया छोड़ दे। तो जब तक की सांस चली है सदमार्ग पे चलते रहना, सच्चा गुरु तुमको मिले न मिले पर सत्य निभाए रहना, पर सत्य निभाए रहना, जितना सामर्थ्य हो आपसे हमसे हाथ बढ़ाते रहना, कुछ दे नहीं सकते हो तो सेवा में ध्यान लगाते रहना। तो हमने एक गीत लिखे, ये तीन है ना, ठीक है, काली चार करोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा के।
एहसान उसका भी रखना चाहिए जिसने जीवन दिया है, एहसान उसका भी रखना चाहिए जिसने ज्ञान दिया है, और एहसान उसका भी रखना चाहिए जिसने संकट में आपको आराम दिया है। तो हमको जन्म हमारी मां ने दिया, ज्ञान हमारे बहुत सारे ऐसे संत चरण हैं जहां से ज्ञान मिला, लेकिन मेरे मन को आराम मिलता है जब मैं राधे गुरु मां जी के कार्यों को देखता हूं। मुझे और ये सब कुछ बातें कहते हुए आप सबके समक्ष अपनी वाणी को विराम देने के पहले नहीं, आजकल हम कुछ और एक ऐसे गुनगुनाते में रास्ते में आ रहा था कि राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, 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 सेवा छुपे हुए सेवा में राम की है, राधे गुरु मां जी कुछ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पे इतने काम, इतने सेवा क्यों किया? शायद वो हमको बता रही है कि तुम लोग जन्मदिन में मसूरी मत चले जाना। देखो जन्मदिन को पता चले मोमबत्ती जलाया और पहले उसका बाती जलाया, फिर मुंह से फूंक के फूंक बुता दिया। दिया मत बुझाओ, दिया को जलाओ, दिया मत बुझाओ, दिया को जलाओ। एक तो मैं सबसे बोलता हूं, जन्मदिन के कुछ लोगों ने दिया बुझाना शुरू कर दिया। दिया बुझाना अच्छा है क्या भैया? अच्छा है भैया, आप लोग समझते हैं दिया बुझाना? ये किसी ने हमारे साथ साजिश करी है, ये भारत की संस्कृति के साथ साजिश हुई है। अपने जन्मदिन पे दिया जलाना बुझाना मत, ठीक है? तो दिया क्या है? क्या दिया सिर्फ दिया जलाना है? नहीं,
कोई दुखी है तो उसको हंसाओ, कोई दुखी है तो उसको हंसाओ, थोड़ा सा कष्ट लेके सबको सजाओ, थोड़ा सा कष्ट लेके सबको सजाओ, सबको सजाओ, सबको सजाओ। गैया को फोटो आ रही थी यहाँ पे, गैया को चारा खिला दीजिएगा, गैया को चारा खिला दीजिएगा, गैया माँ को चारा खिला दीजिएगा, ओ माँ को चारा खिला दीजिएगा, रोते हुए को हंसा दीजिएगा, रोते हुए को हंसा दीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिए, जो मन में आ रहा है गा रहा हूं। मनोज भैया ऑन द स्पॉट ये लिख रहे हैं लाइनें और गा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, मन की भावना अच्छी है, सब अच्छे है। जरूरी नहीं है कि तुम हो चाहते हैं वैसा करने के लिए मेरे पास सारी सुविधा हो, ये सक्षम जरूरी हो, जरूरी नहीं है कि हम है सक्षम, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम सब हो सक्षम, तो क्या कर रहे हैं, भूखे को आप खाना मत भी खिलाइए, पर जरूरतमंद को यहाँ पे पहुंचा दीजिए, लोगों को यहाँ पे पहुंचा दीजिए, लोगों को यहाँ पे पहुंचा दीजिए, सेवा में हाथ बढ़ा दीजिएगा, सेवा में हाथ बढ़ा दीजिएगा, राम जी को दिल में बता दीजिएगा, लोगों को खाना खिला दीजिएगा, भैया को खाना खिला दीजिए, संतों को मिल के सजा दीजिएगा, संतों को मिल के सजा दीजिएगा, राम जी को दिल में सजा दीजिएगा, राम जी को दिल में सजा दीजिएगा, राम जी को दिल को आपके कान में गया तो एक बार हाथ उठा के कहिएगा सियावर रामचंद्र की जय।
राधे गुरु मां सरकार की जय हो। जगत जननी भगवती की जय हो। और एक जोरदार ताली हमारे मनोज भैया के लिए बजा दीजिएगा। देखिए सर, आज की जरूरी नहीं है कि हम सब हो सक्षम, पर जरूरतमंद को यहाँ पे पहुंचा दीजिए। और मनोज भैया राधे माँ जी के चरणों में, राधे माँ जी के चरणों में प्रार्थना है कि मनोज भैया को हर साल यहाँ बुला लीजिएगा। नहीं, मैं तो था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। जय हो। आप सबका बड़ा धन्यवाद। अब मैं नीचे और